ओके okay. अब हमने ये कर दिया, अब मुझे ये वेरिएबल जो है ना वैल्यू, ये ए का वैल्यू डिस्प्ले करना है। क्या डिस्प्ले करना है? का वैल्यू अब हम जो है कोई भी वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करने के दो तरीके हैं अपने पास, वेज टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। क्या क्या लिखा? तो वी हैव टू वेज, या तो हम उसके वैल्यू को उसके वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हैं, या तो उसके पॉइंटर से एक्सेस कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? किससे कर सकते हैं एक्सेस, बोलो? या तो उसके वेरिएबल नेम से, या फिर किससे? सोबांग आ गया, पॉइंटर के नेम से। ठीक है, ओके। अब वेरिएबल का नेम लेके ये 10x डिस्प्ले करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है नहीं? और अगर पॉइंटर के नेम से डिस्प्ले करना है, परसेंटेज डी ए और स्टार पी। क्या स्टार मतलब वैल्यू एट, स्टार मतलब क्या? स्टार मतलब क्या? व्हाट डज स्टार मीन्स? स्टार मीन्स वैल्यू एट। क्या? वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस। तो अभी जब उन्हें डिस्प्ले किया, स्टार पी मतलब जहां पी पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस की वैल्यू क्या है? 10। ओके, अभी मुझे 10.5 डिस्प्ले करना है, कैसे करूंगा? वेरिएबल्स का नाम लेके। परसेंट बी है क्या नहीं? एंड हाउ विल आई डिस्प्ले दिस यूजिंग पॉइंटर? परसेंट क्यू इंटर परसेंट क्यू स्टार क्यू। क्या क्यू? स्टार क्यू। एंड इफ आई वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ जेड, तो परसेंटेज सी और सी है ना। एंड इफ आई वांट टू डिस्प्ले द सेम यूजिंग पॉइंटर, स्टार आर। समझ रहा क्या? नहीं बाबा, क्लास वाले समझ में आ रहा? ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है। ऐसे हम लोग स्टार यूज करके उसको वैल्यू दिखा सकते हैं। ओके, नाउ हाउ डू वी ऐड दिस पॉइंटर टू द वेरिएबल? देखो ये वेरिएबल है क्या नहीं? ये वेरिएबल है और ये पॉइंटर है ना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वेरिएबल है और ये पॉइंटर है, ये दो अलग अलग चीज है। अब इसको इस पे कैसे पॉइंट कराने का? देखो ये अलग, ये वेरिएबल और ये नहीं सबको जा रहा, उसको जा उसका मिस्टेक। देखो भाई, ये पॉइंटर्स अलग है और ये वेरिएबल्स अलग है। अब मुझे इस पॉइंटर को, इस वेरिएबल को पॉइंट कराना है, तो कैसे करने का? तो पॉइंटर पी कहाँ पॉइंट कर रहा है? हाँ, थाउजेंड किसके? थाउजेंड एड्रेस किसका, कौन से वेरिएबल का है? तो ये इसके लिए लिखने का ऐसा, P इक्वल्स टू एंड ए। क्या है? एंड मींस एड्रेस ऑफ। क्या एड्रेस? अब मुझे ये क्यू को पॉइंट कराना है बी को, कैसे लिखूंगा? क्यू इक्वल्स टू हेड ऑफ बी एंड बी, तो क्या हो जाएगा? ये लिखने के बाद से ये पॉइंट करना शुरू करेगा। समझ रहा क्या नहीं? लिखने के बाद से वो पॉइंट करना शुरू कर देंगे। और अगला, मेक दिस क्यू पॉइंट टू सी, कैसे? जेड जेड, ये आर है ना,
r equals to address of c, r equals to address of c. तो ये जाके इधर पॉइंट कर ले. Am I understood? Yes, sir. तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं पॉइंट पॉइंटर, और फिर पॉइंटर के थ्रू भी हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, उस वेरिएबल को एक्सेस उसके वैल्यू के नाम से भी और उसके पॉइंटर के नाम से भी. ठीक है, नाउ लेट्स डू अ प्रोग्राम. देखो तो ये अपना कोड शुरू हो गया. अपन ने कितने वेरिएबल लिए थे, इंटीजर ए, उसमें क्या डाला अपन ने 10, फिर क्या लिया था लोड बी, डाला था अपन ने 10.5. सवाल समझ रहा क्या, डाला था अपन ने. ठीक है, ठीक है. अब मैंने तीन पॉइंटर ही बनाया, क्या बनाया, तीन पॉइंटर. पी किस टाइप का है, अब ये P का पॉइंट करेगा और Q का पॉइंट करेगा और R का पॉइंट करेगा. ओके, अब मुझे A का वैल्यू दिखाना है वेरिएबल यूज करके. तो वैल्यू ऑफ ए यूजिंग वेरिएबल, वैल्यू ऑफ ए यूजिंग वेरिएबल, तो क्या आएगा ए, है ना. बोले तीनों पता है ना. वैल्यू ऑफ बी यूजिंग वेरिएबल क्या आएगा, परसेंट एफ और बी. And value of C using ठीक है, और फिर दो न्यू लाइन. अब यही वैल्यूज यूजिंग पॉइंटर, यूजिंग क्या, क्या आएगा, हाउ डू स्पेल वेरिएबल, हाउ डू स्पेल वेरिएबल, ये ना बोले कि नहीं. ठीक है, ये पॉइंटर है, क्या बोले, और ये पॉइंटर. ठीक है, अब बोलो क्या करने का, स्टार और स्टार पी, इधर क्या स्टार पी और यहाँ पर क्या वैल्यू वेब क्यू इज पॉइंटिंग एंड वैल्यू वेब आर इज पॉइंटिंग. ठीक है, हो गया, लेट्स रन. आया क्या आउटपुट, क्या दिया था मुझे सर, उधर स्लैश आई हैव जस्ट गिवन अ स्लैश एन, आई हैव गिवन अ स्लैश एन टू ऑल ऑफ इट, सो यू विल अंडरस्टैंड कि पॉइंटर कैसे काम करता है. ओके, वो तो दो ही चीज है, देखो आ गया, दिख रहा है क्या, हाँ आएगा नहीं. ओके, तो ऐसे हम लोग पॉइंटर के थ्रू भी वेरिएबल को, ओके ये देखो मैंने क्या किया, डिक्लेयर इनिशियलाइज साथ में किया ना इधर, अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा भी अलाउड है ना. हाँ, ये क्या कर रहा हूं मैं, इनिशियलाइज, क्या फर्क है
दिस इज डिक्लेयर, दिस इज डिक्लेयर ओनली, दिस इज व्हाट इज दिस, देन इनिशियलाइज. और सी में क्या है, वंस यू इनिशियलाइज यू कैन नॉट डिक्लेयर अगेन. तो डू ऑल द डिक्लेरेशन टुगेदर, डू ऑल द डिक्लेरेशन टुगेदर, और फिर इनको इनिशियलाइज किया है क्या नहीं. पहले डिक्लेयर, फिर डिक्लेयर, डिक्लेयर द वेरिएबल, डिक्लेयर द पॉइंटर्स, इनिशियलाइज द वेरिएबल, इनिशियलाइज द पॉइंटर्स. इसको शॉर्टकट के अंदर आई कुड हैव डन लाइक दिस आल्सो, ए इक्वल्स टू एन, डिक्लेयर इनिशियलाइज टुगेदर, यस और नो. तो ये लाइन निकल जाती फिर, है ना. इनको भी आई कुड हैव डन लाइक दिस, समझ में आ रहा. तो जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं, जब भी आपको जो है ना स्टार देना है, जब यूज कर रहे हैं तब स्टार देने की जरूरत नहीं. ये आ गया, ये लाइन निकल जाती है, प्रोग्राम विल रिमेन द सेम, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. वैसे भी आप कर सकते हो, दिख रहा है, पॉइंटर को डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ कर दिया, ठीक है. पर अगर आपने ऐसा किया कि डिक्लेयर कर दिया फिर आपको इनिशियलाइज बाद में करना है, तो फिर उस टाइम पे स्टार देने की जरूरत नहीं है. सिर्फ क्या दो, सिर्फ क्या दो, फिर सिर्फ पॉइंटर का नाम दो. सिर्फ डिक्लेयर करते वक्त अपने को पॉइंटर का नाम चाहिए, उसके आगे सिर्फ डिक्लेयर करते वक्त स्टार चाहिए, डिक्लेयर करते वक्त, यूज करते वक्त स्टार नहीं चाहिए. तो अगर फिर वहां पर वैल्यू क्या है वो दिखाना है, फिर स्टार चाहिए. पॉइंटर के अंदर वैल्यू क्या है वो दिखाने के लिए अपने को स्टार चाहिए. तो सिर्फ दो जगह स्टार चाहिए, एक एक कब डिक्लेयर करते वक्त, दूसरा उस पॉइंटर के थ्रू उसका वैल्यू चाहिए देखते हो. बाकी जो भी काम करना है अपने को पॉइंटर का स्टार बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. समझ में आया. ओके, तो ये हो गया एक तरीका पॉइंटर का. ओके, अब जब मैंने ये डिक्लेयर किए तो अभी पी के अंदर क्या है, पी कहां पॉइंट कर रहा है, तो वो पी का वैल्यू बन जाता, फिर क्या बन जाता, पी का वैल्यू बन जाता. पी का वैल्यू क्या है, जैसे ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, और सी का वैल्यू क्या है. तो ऐसे ही जो है फिर पी का पॉइंट कर रहा है, हाँ, थाउजेंड. तो पी का वैल्यू थाउजेंड है. पी का वैल्यू क्या है, थाउजेंड. नाम क्या है इसका, स्टार पी. और फिर इसका कोई एड्रेस होगा, इसका कोई एड्रेस, जो भी एड्रेस है इसका, 111. ऐसे बोलो क्यू का वैल्यू क्या होगा फिर, हाँ, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, 2000 होगा, स्टार क्यू का वैल्यू. ये स्टार क्यू है, इसका क्या होगा, 2000. और इसका एड्रेस क्या होगा, नहीं मालूम अपने को, तो अपन रैंडम ले लेते क्या, 22. और फिर बोलो आर का क्या होगा, तो आर, तो जहां पर वो पॉइंट करता है ना वो एड्रेस उसका वैल्यू बन जाता. समझ में आ रहा है, पॉइंट करता ना सीधा, वो कहां पॉइंट कर रहा है, वो अपने क्या बोले, पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए. तो ए का एड्रेस क्या होगा, जो भी एड्रेस देगा कंपाइलर ए को, वो पी का वैल्यू बन जाएगा. वो कुछ भी हो, अगर वो एड्रेस है 32769, तो एड्रेस 32198 एड्रेस है, तो क्या है अपना एड्रेस क्या होगा, हाँ. ओके, किसी वेरिएबल का एड्रेस चेक करना तो कैसे करेंगे, देखो किसी वेरिएबल का एड्रेस चेक करना है अपने को, किसी वेरिएबल का भी ए का एड्रेस चेक करना है. ये वैल्यू है ना ए के, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए बी सी इज दिस, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ए बी सी. अगला चेक द एड्रेस, एड्रेस कौन सा देता है पॉइंटर में को, एड्रेस कौन सा वेरिएबल देता है, कौन सा ऑपरेटर देता है, कौन सा ऑपरेटर एंड कौन सा, तो क्या करने का. और एड्रेस क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा ना, तो इसके लिए क्या करने का, क्या होगा एड्रेस ऑलवेज भी, ठीक है. तो ए बी सी का एड्रेस देख लेते हैं,
क्या है 21069448 21069449 और 21069449। ओके अब अगर मैं P का डिस्प्ले करूं, इफ आई डिस्प्ले P नाउ, इफ आई डिस्प्ले मैंने क्या डिस्प्ले किया था नीचे स्टार P ना, व्हाट डिड आई डिस्प्ले स्टार P, इफ आई डिस्प्ले ओनली P मतलब क्या वैल्यू ऑफ P ना, वैल्यू ऑफ P क्या है एड्रेस, तो अगर मैं सिर्फ पी क्यू आर डिस्प्ले करूं तो क्या डिस्प्ले करेगा वो, तो वैल्यू ऑफ ए एड्रेस ऑफ ए यूजिंग एंड, यूजिंग क्या यूजिंग यस यूजिंग एंड ऑपरेटर है ना। ऐसे ही आई कैन ऑल्सो शो द एड्रेस यूजिंग पॉइंटर, यूजिंग क्या यूजिंग पॉइंट, क्योंकि देखो एंड ए ये आर एच एस है क्या, ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या एंड ए इधर ना, इधर निकाला मैंने, तो एंड ए क्या है और ये किस एंड जाए किस तरह है पी में, तो इधर एंड ए डिस्प्ले किया इधर पी डिस्प्ले किया वो भी सेम नो, समझ में आ रहे देखो आया क्या एड्रेस ऑफ ए यूजिंग एंड ऑपरेटर क्या आ रहा 18429286664 क्या आया, तो एड्रेस ऑफ बी यूजिंग एंड ऑपरेटर क्या आ रहा वहां पड़ता कि उसका एड्रेस इसका वैल्यू बन जाता, उसका एड्रेस इसका वैल्यू बन जाता, समझ रहा क्या नहीं, तो पॉइंटर थोड़ा सा है ना हैंग कर देता अपने को, प्रॉब्लम हो जाता आदमी पॉइंटर पढ़ते पढ़ते, थोड़ा फोकस करना ज्यादा जरूरी लगता है इसमें, डबल द फोकस नीडेड व्हेन डूइंग पॉइंटर, अंडरस्टूड, सो इसका एड्रेस उसका वैल्यू बन जाता, ठीक है ओके। तो अगर मैं सिर्फ जो है पॉइंटर का नाम दू पी, अगर मैं सिर्फ पी डिस्प्ले करूं क्या करूं, सिर्फ डिस्प्ले करूं पी तो क्या आउटपुट देगा वो, क्या आउटपुट देगा वैल्यू, क्या आउटपुट देगा किसकी वैल्यू देंगे एड्रेस, तो क्या आएगा 1000 ओके ओके। अभी यहां पर आ गए ये, ठीक है पी क्यू ओके। अभी मैं क्या करता हूं पी वन क्यू वन और आर वन क्या लेता हूं वो पॉइंट करेंगे इधर, पी वन यहां पॉइंट कर रहा है क्या कर रहा है और Q1 यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो और ये क्या है R1 यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो इनका टाइप क्या होगा, क्योंकि यहाँ जहाँ ये पॉइंट कर रहे उधर क्या है एड्रेस, तो क्या ये इंटीजर टाइप लगा दो या फिर लॉन्ग टाइप लगा दो, क्या लगा दो लॉन्ग इंटीजर, क्या कर दो लॉन्ग इंटीजर, क्या कर दो उसको लॉन्ग इंटीजर टाइप स्टार P1 क्या है ये बड़ा बड़ा लॉन्ग इंटीजर स्टार पी वन है ना, ऐसे ही या इंटीजर, चलो इंटीजर ले, चलो इंटीजर ले लो, मुझे उसे बताना ये आपको कौन से पॉइंटर का टाइप क्या आपको मालूम होना चाहिए, तो इंटीजर स्टार पी वन और क्या इंटीजर स्टार क्यू वन और इंटीजर स्टार आर वन, ठीक है। अब जब इनके बॉक्स बनेंगे तब क्या होगा बोलो, तो Q1 R1 P1 ये हो गए ना तीन वेरिएबल, तब इनके बॉक्स बनेंगे तब क्या होगा, इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका स्टार P1, वैल्यू क्या है इसका स्टार P1, वैल्यू क्या है, और इसका कोई भी एड्रेस होगा क्या होगा इसका, कोई भी इसका एड्रेस होगा, ठीक है 7777 क्या है अभी ये क्या है स्टार स्टार क्यू वन, इसका वैल्यू क्या होगा और इसका एक एड्रेस होगा क्या, और फिर एक और एड्रेस एक और बनेगा
आर वन का एड्रेस 3333 है तो क्या होगा इसका ये क्या है इसका आर वन क्या है 3333 और क्या है इसका 9999 है क्या नहीं ओके अभी अगर मैं सिर्फ डिस्प्ले करूं P1 ये है फन है ये मजा है ये है गेम नहीं नहीं बता रहा हूँ ठीक है मैं एक फ्रेम में फिट करता हूँ एक फ्रेम में फिट होगा नहीं देखो ठीक है ये एक फ्रेम में आ गया पूरा अब यहां पर मैं डिस्प्ले करता हूं अगर मैं डिस्प्ले करूं P1 क्या डिस्प्ले करूं तो आउटपुट क्या आएगा 1111 तो आउटपुट आएगा 1111 ठीक है अब अगर मैं डिस्प्ले करूं वैल P1 जहां पॉइंट कर रहा है वहां वैल्यू क्या है देखो सिर्फ P1 क्या है सिर्फ P1 क्या है सिर्फ P1 1111 स्टार क्यों मतलब वैल्यू एट एड्रेस 1111 तो वैल्यू एट एड्रेस 1111 क्या क्या है क्या आएगा आउटपुट हाँ भाई 1000 ठीक है ओके अभी अगर मैं करूं स्टार स्टार P1 अब बोलो क्या देखो पहले लो P1 पहले सिर्फ क्या लो क्या है सिर्फ P1 में क्या है 1111 स्टार P1 बोलो तो क्या वैल्यू एट 1111 क्या है क्या है वैल्यू एट 1111 क्या है 1000 अब इसका 1000 आ गया वैल्यू एट 1000 क्या है फिर अभी 10 तो ये आना चाहिए 10 आउटपुट क्या आना चाहिए देखो इसको तीन स्टेप में लो क्या लो इसको इसको तीन स्टेप में लो पहला स्टेप क्या है सिर्फ P1 सिर्फ क्या दूसरा स्टेप क्या है स्टार P1 और तीसरा स्टेप क्या है स्टार स्टार P1 ठीक है सिर्फ P1 क्या है सिर्फ P1 क्या है सिर्फ P1 क्या है सिर्फ P1 है क्या 1111 फिर स्टार 111 मतलब क्या वैल्यू एट 1111 क्या क्या है 1000 फिर वो वैल्यू एट 1000 क्या है फिर 10 ऐसा आउटपुट आया तो स्टार स्टार पी इज 10 इसको बोलते हैं पॉइंटर टू अ पॉइंटर क्या बोलते हैं इसको पॉइंटर टू अ पॉइंटर क्या बोलते हैं इसको डबल स्टार बोलते क्या पॉइंटर टू अ पॉइंटर एग्जाम्पल क्या देता हूं मैं कि मैं सेल्फी ले रहा हूं और ऐसा मैंने रख दिया स्टेटस पे क्या रख दिया है स्टेटस पे क्या दिख रहा है लोगों क्या दिख रहा है सर सेल्फी ले रहे हैं तो फिर जब सर सेल्फी ले रहे हैं तो किसी ने सर का फोटो लिया है यानी फोटो खींचते हुए का फोटो लिया गया फोटो खींचते हुए का फोटो लिया गया यानी एक कैमरा मेरे को पॉइंट कर रहा है और दूसरा कैमरा मेरे कैमरे को पॉइंट कर रहा है तो पी पॉइंट कर रहा है ए को और स्टार P1 पॉइंट कर रहा है P को तो पॉइंटर टू अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर हाउ विल आई मेक P1 पॉइंट टू P नाउ हाउ विल आई मेक अ पॉइंटर पॉइंट टू P1 P1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ P यस ऑर नो हाउ विल आई मेक Q1 पॉइंट टू Q Q1 equals to address of Q1. And how will I make Z R1 point to? Yeah, ऐसे हम एक pointer दूसरे pointer को point कर सकते हैं। तो आया ना? हाँ देखे। तो
yes, no, maybe, कोई शक, तो ऐसे नेस्टेड पॉइंटर हो जाता है. ठीक है, अब तुम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, पॉइंटर अरिथमेटिक. क्या पढ़ो? उसको करो प्रैक्टिकल, करो उसका. क्या करो इसका? प्रैक्टिकल. ऑलराइट, लेट्स डू इट प्रैक्टिकली. 20 स्टार पी 1.2 एड्रेस ऑफ पी. वेरी गुड. इसके सब पी के सब इसमें एड्रेस देंगे, जैसे पॉइंटर इंटीजर टाइप करेंगे. इंटीजर p2 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ जी नहीं q1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ तो q1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ q एंड r1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ओके. नाउ इफ आई डू value of a b c using nested pointer, क्या value of a using nested pointer, pointer to a pointer, value अगर a point, तो क्या होगा बोलो, क्या होगा? star star p1 value at a, तो ये तो percentage d, percentage f, percentage c, क्या होगा? a b c display कर ना, तो क्या आएगा p, क्या स्टार स्टार पी वन, और क्या स्टार स्टार पी वन, स्टार स्टार आर वन, स्टार स्टार आर वन. समझ रहा क्या? हाँ. क्या वो भी बोला, इतना पैसा इतना लंबा. टाइप शुड बी द सेम गाइस. पी का टाइप क्या था? इंट. तो इसका टाइप भी इंट रहेगा. इसका टाइप क्या था? तो इसका टाइप फ्लोट ही रहेगा. और इसका टाइप क्या था जहां पॉइंट कर रहा? कैरेक्टर. आर जहां पॉइंट कर रहा है, आर किस, एंड आर ना, आर किस टाइप का था? कैरेक्टर. तो इसके लिए आर वन भी किस टाइप का होगा? सिंपल. समझ में आ रहा है? वैसा लॉजिक लगाने. क्या बोल रहा है? P1 is star P. ये star P है ना? Line number 21. क्या बोल रहा है? क्योंकि ये double pointer है ना, तो declare करते हो कि इसको double pointer देना पड़ेगा अपने को. क्योंकि ये double pointer है ना, तो declare करते हो कि इसको क्या देना पड़ेगा? Double pointer. Star star. देखो वैल्यू ऑफ ए इज 10, 10.5 जेड. ये उनके एड्रेसेस हो गए, उनके एड्रेस पॉइंटर के खिलाफ, ये भी यूजिंग द वैल्यू, और ये नेस्टेड पॉइंटर के साथ वैल्यू वो चाहे. तो सिर्फ अपने को क्या चेंज करना था इसके अंदर, कि यहाँ पर इनका टाइप ये नहीं रहेगा. Type will not be int and this. Type will be the same as what type it is pointing to. Now P1 कहाँ point कर रहा है? Integer. So P1 कहाँ point कर रहा है? And P. P किस and type का था? Integer. ये भी किस type का होगा? Integer. बस. और Q1 कहाँ point कर रहा है? तो कैसे करने का? Integer. और क्योंकि nested pointer है तो कैसे करेंगे? Double star. Yes. क्या है? Double star. डबल स्टार. समझ में आया? यस सर. और इसका क्या रहेगा? फ्लोट डबल स्टार क्यू वन. बी ओ टू फ्लोट डबल स्टार क्यू वन. क्यू वन इसका क्या रहेगा? कैरेक्टर डबल स्टार. और ये कहाँ पॉइंट करेगा? P1 पॉइंट करेगा एड्रेस ऑफ P. क्या करेगा पॉइंट? इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ P. ये का पॉइंट करेगा इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ Q. ये तो आ गया हुआ सर. एड्रेस ऑफ P एड्रेस ऑफ P स्टार होगा. इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ. ठीक है, ये एरो कीवर्ड की जरूरत नहीं, ये एरो कीवर्ड की जरूरत है सब दिखाने के लिए.
लो वो भी कर देंगे। तो समझा क्या? नहीं हाँ सर। तो और ये उसका प्रोग्राम है इधर, ये उसका प्रोग्राम, ये आउटपुट है और ये उसका प्रोग्राम। तो ये अपने वेरिएबल्स, ये अपना सिंगल पॉइंटर, ये अपना नेस्टेड पॉइंट। तो वो जो इन फ्लोट क्या है, इन फ्लोट क्या है, ये का पॉइंट कर रहा है पी पे, पी का पॉइंट कर रहा है ए पे, ए किस टाइप का है इंटीजर, तो ये भी उस टाइप का रहेगा। गॉट इट? यस सर।